हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला दाल बड़ा। तो चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल वीडियोज पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी चना की दाल थी, इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोख करके छोड़ दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जितना था इसको निकाल लिया, 2-3 बार अच्छे से धुल लिया है। अब इसको हम एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा पेस्ट जो है बनाकर रेडी कर, मिक्सी को बस 3 से 4 राउंड लगाएंगे और ये बढ़िया से दरदरा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। दाल को बिल्कुल बारीक नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए, दाल जो है अच्छे से बिल्कुल पीस ली है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की है। इस तरह से हमें दाल पीसनी है। दाल के एक एक कट जो है रह जाना चाहिए या एक आध साबुत दाल भी रह जानी चाहिए। तो ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने सिर्फ दाल से ही दाल बड़ा मसाला बनाया है। अगर आप चाहें तो इसमें एक आलू भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल किया जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला, इसको डाल दिया है। चुटकी भर हींग और नमक है स्वाद के अनुसार, इसको ऐड कर देंगे। साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई, इनको डाल देंगे। एंड लास्ट में फ्रेश धनिया, इसको डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। अब मसालों को दाल के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छे से मसाले जो है मिक्स कर लिए हैं। अब हम जितनी भी बड़ी साइज़ का बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी दाल ले लेंगे। हाथ पे रख के इसको एकदम गोल कर लेंगे बढ़िया से। तो देखिए, इस तरह से हमने शेप दे दी है बढ़िया से टिक्की की। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं। और ये बनकर रेडी हो चुका है दाल बड़ा। टिक्की के साइड जो है चिटके हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे से चारों तरफ से चिकना कर लेंगे। एक बार में सिर्फ 3 से 4 बड़े ही बना के रखेंगे जितने की फ्राई हो जाए, एंड बाकी के बनाते। तो बड़े जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल जो है 1 चम्मच के लगभग ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम जो बड़े बना के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। एक बार में 3 बड़े आए हैं तो 3 बड़े ही बनाए थे, एंड बाकी के बनाते जाएंगे एंड फ्राई करते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे, एंड बढ़िया से इनको हम, दाल जो है कच्ची होती है तो बढ़िया से इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक साइड से लाइट गोल्डन कलर होने पे ही पलटेंगे, नहीं तो ये नीचे जो है चिपक जाते हैं। और इस तरह से देखिए, कलर जो है चेंज हो चुका है इसका हल्का हल्का सा। तो इस तरह से हम इसको बढ़िया से पलट लेंगे ईजिली, एंड बाकी के सारे भरे हुए हम इसी तरह से पलट कर रेडी कर लेंगे। एंड थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे। तो देखिए, क्रिस्पी करार से दाल के बड़े जो हैं बड़े एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं, एंड बाकी के सारे बचे हुए बड़े को भी इसी ऑयल में हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, दाल से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। एकदम ईजी से हैं और बहुत कम ऑयल में बन गए हैं। तो रेसिपी जरा से भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जाने के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।